नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल भीलवाल और आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं बॉल स्क्रू के बारे में। आई थिंक सभी लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा क्योंकि ये हर किसी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे कि एयरोस्पेस इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, CNC मशीनरी, प्रिसीजन मशीनरी टूल्स और भी कई इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। तो मेरे से कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर आप बॉल स्क्रू के बारे में वीडियोस बनाइए, बॉल स्क्रू के बारे में समझाइए, और उनकी ये डिमांड सही भी थी क्योंकि बॉल स्क्रू एक ऐसा पार्ट है जिससे कई इंटरव्यूज में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि बॉल स्क्रू क्या होता है, बॉल स्क्रू में पिच और लीड क्या चीज होती है, बॉल स्क्रू के डिफरेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं, और बॉल स्क्रू के नट, जो नट होते हैं, बॉल नट कितने टाइप के होते हैं। साथ ही हम आपको बताएंगे बॉल स्क्रू की प्रीलोडिंग क्या होती है, प्रीलोडिंग से क्या क्या इम्पैक्ट होता है बॉल स्क्रू के ऊपर, प्रीलोडिंग क्यों करी जाती है और ये कैसे की जाती है सिंगल नट और डबल नट के अंदर। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बॉल स्क्रूज के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टाइप का हमारा जो होता है वो बॉल स्क्रूज होता है, जो जनरली हम यूज करते हैं किसी भी इंडस्ट्रीज में। ये भले ही छोटा बड़ा हो सकता है साइज में। तो बॉल स्क्रू का मेन रोल क्या होता है दोस्तों, ये जो कन्वर्ट करता है रोटरी मोशन को, जो कि मोटर द्वारा दिया जाता है। तो रोटरी मोशन मोटर द्वारा भी दिया जा सकता है, किसी हाइड्रोलिक पंप के द्वारा भी दिया जा सकता है। तो डिफरेंट टाइप के जो रोटरी मोशंस हम देते हैं उसको ये जो बॉल स्क्रू होता है वो लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। तो आप देख सकते हैं रोटरी मोशन हमारा इस तरीके का होता है, तो जो बॉल स्क्रू होगा रोटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर देगा। दोस्तों, हम दो टाइप के स्क्रूज देखते हैं, एक तो होता है बॉल स्क्रू। तो बॉल स्क्रू में जनरली क्या होता है कि बॉल नट के अंदर बॉल्स होती हैं, बट दूसरा जो हमारा स्क्रू होता है वो एक्मे स्क्रू होता है, वहाँ पे बॉल नट के अंदर बॉल नहीं होती हैं, और यहाँ पे जो जो ये स्पिंडल होती है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है नट के, जो यहाँ पे कांटेक्ट एरिया बनता है वो सरफेस बनता है। बॉल स्क्रू के अंदर कांटेक्ट बनता है वो पॉइंट कांटेक्ट बनता है। तो जो बॉल स्क्रू के अंदर कांटेक्ट बनता है तो वो कांटेक्ट बनता है। तो जो बॉल स्क्रू की जो विशेषताएं होती हैं वो दोस्तों होती हैं, ये हाई एक्यूरेसी वाला होता है। इसको जहाँ पे हमें हाई एक्यूरेसी चाहिए होता है वहाँ पे हम बॉल स्क्रू को यूज़ करते हैं। इसके अंदर हाई स्टिफनेस होती है, रिजिडिटी होती है, एफिशिएंसी इसकी हाइयर होती है, करीब 90% इसकी एफिशिएंसी होती है। वहीं हम अगर एक्मे स्क्रू की बात करें तो यहाँ पे 50% हमें एफिशिएंसी मिलती है और 50% लॉसेस हो जाते हैं, जो भी हमारे फ्रिक्शन लॉसेस होते हैं। तो यहाँ पे इसकी हाई एफिशिएंसी होती है। और दोस्तों, बैकलेस एलिमिनेशन होता है, मतलब कि यहाँ पे जो बैकलेस होता है वो बहुत ही कम होता है, और उसको भी हम जो भी होता है थोड़ा बहुत उसको भी हम प्रीलोडिंग की मदद से ख़त्म कर सकते हैं। जबकि वहीं एक्मे स्क्रू के अंदर बैकलेस होता है, तो यहाँ पे हमें जो पोजिशनल एक्यूरेसी होती है बॉल स्क्रू के अंदर काफ़ी अच्छी मिल जाती है, वहीं एक्मे स्क्रू के अंदर पोजिशनल एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं मिलती है। तो जहाँ पे भी हमारा प्रिसीजन वर्क होता है तो वहाँ पे हम बॉल स्क्रू को जनरली यूज़ करते हैं। और इसकी दूसरी, जो हमने बताया कि एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होती है, तो जो हमारा मोटर के अंदर इस पे लोड आता है, जो भी टॉर्क डेवलप करना होता है बॉल स्क्रू को चलाने के लिए, वो काफ़ी कम करना स्क्रू के कंपैरिजन। वहीं हम देखें तो इस तरीके की असेंबली होती है दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं मोटर होती है और साथ में उसमें अटैच होती है कपलिंग, वहीं कपलिंग से अटैच होती है बॉल स्क्रू। तो जो बॉल स्क्रू में मेन पार्ट होते हैं ये होता है इसका स्पिंडल, बॉल स्क्रू स्पिंडल भी बोलते हैं इसको, जो थ्रेडेड वाला पोर्शन होता है। वहीं एक होता है हमारा बॉल नट। तो बॉल नट जनरली हमारा बॉल नट हाउसिंग या फिर फिक्चर के अंदर जो हाउसिंग होती है तो वहाँ पे ये फिटमेंट होता है। वहीं साथ में सपोर्ट के लिए बॉल स्क्रू की होती है सपोर्ट बियरिंग्स। तो सपोर्ट बियरिंग्स भी डिफरेंट टाइप की होती है, वो हम आपको अपनी अगली वीडियोज में बताएंगे। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जनरली हम देखते हैं बॉल स्क्रू के अंदर। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पिच और लीड में क्या डिफरेंस होता है। ये कई लोगों के दिमाग में होता है कि पिच और लीड, वो कंफ्यूज रहते हैं कि पिच क्या है, लीड क्या है। तो आज मैं आपको बताऊंगा और इसके बाद आप समझ जाएंगे कि पिच और लीड में क्या डिफरेंस होता है। तो दोस्तों, पिच जनरली क्या होती है कि एक थ्रेड के सेम पॉइंट से लेके दूसरे थ्रेड के सेम पॉइंट के बीच की दूरी, तो एक के बाद एक जो थ्रेड होते हैं तो सेम
पॉइंट से दूसरे थ्रेड के सेम पॉइंट के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। वहीं जो लीड होती है दोस्तों, लीड क्या होती है, हम किसी भी नट को या हम बोलेंगे किसी भी स्क्रू को अगर हम एक राउंड घुमाते हैं तो एक राउंड घुमाने पे वो नट कितना आगे मूव करता है लीनियरली, तो उसको हम बोलते हैं लीड। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंस आप समझ गए होंगे। जो पिच होती है, पिच होती है कि ये आप स्क्रू देख रहे होंगे तो स्क्रू के एक पॉइंट से इसके अगली थ्रेड के सेम पॉइंट के बीच की दूरी, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे सेम पॉइंट से दूसरे के सेम पॉइंट के बीच की दूरी को हम पिच बोल रहे हैं। वहीं जो लीड होती है कि नट या हम बॉल नट के एक रोटेशन में कितना हमारा जो बॉल नट है वो मूव कर रहा है फॉरवर्ड या रिवर्स, तो वो हम कहते हैं लीड। तो दोस्तों फर्क क्या होता है, लीड इक्वल होती है पिच के अगर जो सिंगल स्टार्टेड बॉल स्क्रू होता है या सिंगल स्टार्टेड थ्रेड अगर हमारी होंगी तो जो हमारा लीड होगा वो पिच के बराबर होगा। वहीं अगर डबल स्टार्टेड थ्रेड होंगी, अगर डबल स्टार्टेड थ्रेड है तो ये हो जाएगी लीड टू टाइम्स ऑफ द पिच, यानी यहाँ पे पिच की टू टाइम्स हो गई। वहीं फोर स्टार्टेड थ्रेड में क्या हो जाएगा दोस्तों, जो लीड हो जाएगी वो फोर टाइम्स हो जाएगी पिच के। तो आप नॉर्मली जो इक्वेशंस होती है वो होती है लीड इक्वल टू जितने भी टाइम्स हमारी जो कितने स्टार्टेड थ्रेड है इनटू पिच होती है। अगर हमारा सिंगल स्टार्टेड थ्रेड है तो वन इंटू पिच हो जाएगा लीड, अगर टू स्टार्टेड है टू इंटू पिच हो जाएगा, थ्री स्टार्टेड है थ्री इंटू पिच, सिमिलरली फाइव स्टार्टेड है तो फाइव इंटू पिच जो हो जाएगी हमारी लीड। तो इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है डबल स्टार्टेड थ्रेड में हम एक रोटेशन जब करते हैं नट का तो ये पिच के टू टाइम्स मूव कर जाता है, तो तभी हम कह रहे हैं कि लीड जो होती है डबल स्टार्टेड में टू टाइम्स हो जाती है पिच के। वहीं जब फोर स्टार्टेड कोई भी स्क्रू रहता है तो वहाँ पे जो हम एक चक्कर घुमाते हैं नट का तो वो फोर टाइम्स पिच के मूव कर जाता है। तो इस तरीके से डिफरेंस आ जाता है जब हमारे डिफरेंट स्टार्टेड थ्रेड्स होती हैं। तो आइए बॉल स्क्रू के कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो बॉल स्क्रू में मेनली आप ये देख रहे हैं थ्रेडेड वाला जो ये शाफ्ट होती है इसको बोलते हैं स्पिंडल, वहीं इस पार्ट को बोलते हैं जो कि ये कलरफुल पार्ट दिख रहा है ये होता है नट, इसको बॉल नट भी बोलते हैं। तो बॉल नट में दोस्तों होती हैं बॉल्स, यहाँ पे आपको बॉल्स दिख रही होंगी, ये कट सेक्शन है हमारा अंदर से। तो यहाँ पे बॉल्स जो होती हैं वो इस ट्रैक में मूव करती हैं जो कि हमारा स्पिंडल में ट्रैक होता है, तो यहाँ पे हमारी बॉल्स मूव करती हैं। इनको बोलते हैं ट्यूब्स, ये होती हैं बॉल के रिटर्न की ट्यूब्स। सपोज आपका बॉल यहाँ से मूव कर रही है ऐसे 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 गई, तो आपका यहाँ से जो इन ट्यूब्स की मदद से बॉल दोबारा से रिटर्न आएंगी ताकि जो बॉल हो वो सिस्टम में ही मूव करती रहे। वहीं एंड में होते हैं वाइपर्स, जैसे कि वाइपर्स का काम ही वही होता है कि आपका जो भी डस्ट हो उसको बॉल स्क्रू के अंदर नहीं आने दे, वरना क्या होगा दोस्तों अगर बाहर हमारा कोई भी डस्ट होगा अगर वो अंदर आ जाएगा तो जो हमारा वियर एंड टियर होगा बॉल स्क्रू के अंदर वो काफ़ी जल्दी होगा और मे बी हो सकता है आपका बॉल स्क्रू बहुत जल्दी फेल हो जाए। जो वाइपर सील का वर्क होता है, वाइपर सील बॉल स्क्रू को बाहरी डस्ट से प्रोटेक्शन देती है। तो यहाँ पे आप आशा करता हूँ सब समझ गए होंगे कि क्या क्या पार्ट होता है। तो इस तरीके का अगर बॉल नट होता है तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नल बॉल रिटर्न सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो हमारे ट्यूब्स हैं वो बॉल नट के एक्सटर्नल हैं, तो इस सिस्टम को बोल देते हैं एक्सटर्नल बॉल रिटर्न सिस्टम। वहीं हम दूसरे टाइप का देखें एक्सटर्नल बॉल रिटर्न सिस्टम, ये हमारा यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये सिंगल ट्यूब वाला है, इससे पहले जो देखा था वो डबल ट्यूब था। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं सिमिलर टाइप का डिजाइन है, सिमिलर ट्यूब है, केवल फर्क एक ही है कि वहाँ पे आपके दो ट्यूब्स थे, वहीं आपका इस डिजाइन में आपका एक ट्यूब है, क्योंकि यहाँ पे जो बॉलनट का साइज है वो थोड़ा छोटा है लेंथ वाइज। तो यही मैं आपको इंटरनल बॉल रिटर्न सिस्टम में क्या होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है ये जितने भी यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स होते हैं तो ये हमारे इनसाइड ऑफ द बॉल नट होते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी बॉल नट के बाहर नहीं है, तो यहाँ पे जो ट्यूब्स हैं वो अंदर ही हैं और यहाँ पे क्या होता है डिफ्लेक्टर्स लगे रहते हैं। तो यहाँ पे आप देख ये जो कैप है वो डिफ्लेक्टर कैप है, तो यहाँ पे क्या होते हैं ये डिफरेंट टाइप के डिफ्लेक्टर्स आपको दिख जाएंगे। तो डिफ्लेक्टर का काम क्या होता है वो बॉल के पाथ को डिफ्लेक्ट कर देता है ताकि बॉल इसी पाथ में आपके रोटेट करती रहे। तो यहाँ पे एक ही फर्क है, यहाँ पे जो आपको ट्यूब्स दिखेंगी
या डिफ्लेक्टर्स दिखेंगे वो सब बॉल नट के अंदर ही होंगे, उससे बाहर कुछ नहीं निकला होगा, बाकी सब चीज आपकी सेम ही होगी। यहाँ पे वाइपर्स होंगे और स्पिंडल तो होता ही है। बाकी तीसरे टाइप का जो होता है वो होता है टेंजेंशियल बॉल रिटर्न सिस्टम। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे जो रिटर्न है वो टेंजेंशियल है और बॉल नट के अंदर ही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो बॉल जो बॉल्स होती हैं वो इस तरीके से मूव करती हैं स्पिंडल पे, और इस तरीके से मूव करके वो यहाँ से डिफ्लेक्ट होके इंटरनली टेंजेंशियली बॉल नट के टेंजेंशियली ये मूव कर रही हैं और वापस आती हैं सिस्टम में। तो इस तरीके से ये रोटेट करती रहती हैं। तो आशा करता हूँ आप तीनों में क्या क्या फ़र्क है आप समझ गए होंगे, एक्सटर्नल, इंटरनल और टेंजेंशियल बॉल रिटर्न सिस्टम। तो इस तरीके के तीन नट नॉर्मली हमारे यूज होते हैं। इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस करके वो कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट टाइप बन जाते हैं, बट नॉर्मली जो बॉल रिटर्न सिस्टम होता है वो इसी तरीके का तीन डिजाइन में होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं प्रीलोडिंग की। तो बॉल स्क्रू में प्रीलोडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इससे हम बॉल स्क्रू में जो भी एक्सियल प्ले होता है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो देखते हैं कि प्रीलोडिंग होती क्या है। दोस्तों जनरली क्या होता है कि बॉल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बॉल है और ये नट का पार्ट है और ये स्पिंडल का पार्ट है। अब होता क्या है कि ये बॉल और स्पिंडल और नट में थोड़ा बहुत क्लियरेंस होता है, तो यही क्लियरेंस जो होता है दोस्तों वही एक्सियल प्ले को जनरेट करता है। तो नॉर्मली बॉल स्क्रू में अगर एक्सियल प्ले रहता है तो वहाँ पे उसकी एक्यूरेसी कम हो जाती है और मे बी कोऑर्डिनेट वेरिएशन हो सकता है। तो बेटर एक्यूरेसी के लिए हमें प्रीलोडिंग करना होता है और इस क्लियरेंस को कम करना होता है। तो बॉल स्क्रू प्रीलोड जो होता है, प्रीलोड करने से हम एक्सियल प्ले को रिड्यूस कर सकते हैं और साथ ही बॉल स्क्रू की रिजिडिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ में अगर मैं इसके डिसएडवांटेज की बात करूँ तो इससे प्रीलोडिंग से क्योंकि रिजिडिटी इंप्रूव हो रही है तो आपका जो मोटर पे लोड होगा वो इंक्रीज हो जाएगा और आपको हाई टॉर्क लगाना पड़ेगा बॉल नट को रोटेट करने के लिए। साथ ही इससे जो आपके बॉल नट की लाइफ है वो भी डिक्रीज हो सकती है क्योंकि बॉल पे ऑलरेडी यहाँ पे प्रेशर रहता है प्रीलोडिंग के कारण, और साथ ही हमारा बेयरिंग्स पे भी इसमें लोड आता है। तो ये इसके डिसएडवांटेज भी हैं कुछ अगर हम एक्सेस प्रीलोडिंग कर दें तो। तो दोस्तों अब मैं बताता हूँ आपको प्रीलोडिंग के मेथड्स क्या क्या होते हैं। अगर आपको सिंगल नट के अंदर प्रीलोडिंग करनी है तो मैं आपको ये जो दिखा रहा हूँ ये है नट। देखिए आप इसको 3D में सोच लीजिएगा, ये जो है नट है, यहाँ पे ये शाफ्ट है जो कि हमारी जिसमें थ्रेड्स रहते हैं, जिसको मैं स्पिंडल भी बोला था। तो यहाँ पे ये शाफ्ट है, यहाँ पे नट है। तो शाफ्ट और नट के बीच में क्या होता है, बॉल्स रहती हैं। तो आप अगर सिंगल नट के अंदर प्रीलोड करना चाहते हैं, प्रीलोडिंग देना चाहते हैं, तो पहला ऑप्शन क्या होता है आपके पास, आप बॉल्स का साइज थोड़ा बढ़ा सकते हैं ताकि जो क्लियरेंस है वो आपका कम हो जाए। तो पहला ऑप्शन तो यह है कि आप बॉल्स का साइज थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं जिससे कि आपका प्रीलोडिंग बढ़ जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, आप ऑफसेट प्रीलोडिंग का मेथड का यूज कर सकते हैं। ऑफसेट प्रीलोडिंग में क्या होता है कि जो आपका स्क्रू शाफ्ट की जो लीड होती है, यहाँ पे स्क्रू शाफ्ट की जो लीड होती है तो यहाँ पे नट की लीड से थोड़ा कम होती है, या मैं बोलूँ दोस्तों कि नट की जो लीड होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं नट की जो लीड है, यहाँ पे जो मिडिल में आप देख रहे हैं यहाँ पे लीड थोड़ा सा इंक्रीज है। तो क्या होता है दोस्तों, जो नट का लीड थोड़ा बड़ा हुआ है और शाफ्ट का थोड़ा कम है, तो क्या होता है कि बॉल्स पे लोड आता है और ये ऑफसेट लोड होता है क्योंकि ये लीड स्क्रू शाफ्ट की लीड से डेल्टा ऑफसेट पे है। तो यहाँ से आपका इससे भी प्रीलोडिंग करने का आपका एक मेथड होता है। तो इससे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे टेंशन लोड आता है बिकॉज यहाँ पे लीड कुछ और है, नीचे कुछ लीड कुछ और है, तो इससे टेंशन लोड डेवलप होता है बॉल्स के अंदर, तो उससे प्रीलोडिंग होती है। साथ ही अगर मैं डबल नट की बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डबल नट में क्या होता है, दो तरीके की प्रीलोडिंग हम कर सकते हैं, टेंशन प्रीलोडिंग और कंप्रेशन प्रीलोडिंग। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो स्पेसर है, यहाँ पे स्पेसर से प्रीलोडिंग की जाती है। अगर मैं स्पेसर का साइज ओवर साइज कर दूँ, सपोज स्पेसर का साइज मैं ज़्यादा लगा दूँ कि हमारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लीड है वो लीड से ज़्यादा साइज हो जाए, अगर मैं स्पेसर इस तरीके का लगाऊं तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर साइज स्पेशल लगाने से जो बॉल में टेंशन लोड आए,
वहीं दूसरा अगर कंप्रेशन प्रीलोडिंग की बात करी जाए तो स्पेसर का साइज अंडर साइज होता है, तो जब यहाँ पे टाइट किया जाता है इसको तो दोनों जो नट के दोनों हिस्सों में अंदर की तरफ को लोड डेवलप होता है, बिकॉज यहाँ पे जो स्पेसर है वो अंडर साइज है, तो अंदर की तरफ हमारा कंप्रेशन लोड डेवलप होता है, तो इस प्रीलोडिंग को हम कहते हैं कंप्रेशन प्रीलोडिंग। तो देखा जाए तो हर किसी प्रीलोडिंग में हम क्या कर रहे हैं, बॉल के ऊपर बॉल्स को लोड कर रहे हैं। वो लोड करने के अलग अलग मेथड हैं, लेकिन हमारा पर्पस एक ही है कि इसमें हम एक्सियल प्ले को रिड्यूस करते हैं और साथ ही जो बॉल नट की रिजिडिटी को इम्प्रूव करते हैं ताकि हमारा जो एक्सियल प्ले है वो कम हो सके। दोस्तों आशा करता हूँ कि इसमें आप सिंगल नट के अंदर और डबल नट के अंदर कैसे हम प्रीलोडिंग करते हैं वो आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप ये जान गए होंगे कि बॉल स्क्रू क्या होता है, बॉल स्क्रू के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं और बॉल स्क्रू को प्रीलोड कैसे किया जाता है और डिफरेंट टाइप के नट क्या क्या होते हैं बॉल स्क्रू के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे कि बॉल स्क्रू के फिटमेंट में जो बेयरिंग का अरेंजमेंट होता है वो कितने टाइप्स का होता है, साथ ही हम आपको बताएंगे कि कितने टाइप के अरेंजमेंट होते हैं बेयरिंग फिक्स करने के बॉल स्क्रू के अंदर विद डिफरेंट एप्लीकेशन। तो मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत लेता हूँ, नमस्कार।